तो वाराणसी के ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी केस से जुड़ी बड़ी खबर है। आज जिला कोर्ट में हिंदू पक्ष सीलबंद लिफाफे सौंप देगा। सुबह 11:30 बजे सीलबंद लिफाफे सौंपेगा हिंदू पक्ष। लिफाफा, पैक सीडी और सर्वे से जुड़ा सामान हिंदू पक्ष कोर्ट को सौंप देगा। कल लीक भी हुआ था ज्ञान वापी सर्वे का वीडियो और इसी के बाद से हिंदू पक्ष लिफाफा बंद जो है, ये सबूत जो साक्ष्य हैं, सर्वे के वीडियोज हैं, सील बंद है, उनको वापस आज कोर्ट को सुबह 11:30 बजे सौंपेगा। ये बताते हुए कि इस लीकेज में उनका कोई भी योगदान नहीं है, कोई भी उनकी भूमिका नहीं है और जैसे उनको मिला है ये सब कुछ कोर्ट से, वो उसको वैसे ही वापस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार नामांकन भरने वाले हैं। नामांकन के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी के सभी 8 प्रत्याशी एक साथ नामांकन करेंगे। इस दौरान सीएम योगी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम और यूपी भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। और आपको बताएं कि आज नामांकन की आखिरी तारीख है। भाजपा के 8 प्रत्याशियों के अलावा सपा समर्थित 3 प्रत्याशी पहले ही नामांकन कर चुके हैं। सुबह 11:00 बजे आज नामांकन भरेंगे 8 प्रत्याशी भाजपा के। उस वक्त मौजूदगी होगी मुख्यमंत्री की, दोनों उप मुख्यमंत्रियों की और कैबिनेट मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की। सारे 8 प्रत्याशी आज ही एक साथ सुबह 11:00 बजे नामांकन भरेंगे। आखिरी दिन आज है नामांकन का, तो आइए आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताएं। भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवारों का नामांकन का आज ही कार्यक्रम है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सुरेंद्र नागर, राधामोहन दास अग्रवाल, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह, संगीता यादव ये नामांकन करेंगे। इसके अलावा मिथिलेश कुमार और डॉक्टर के लक्ष्मण का भी नामांकन का आज ही का कार्यक्रम है। और इस दौरान जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे स्वतंत्र देव सिंह। इसके पहले सपा के 3 उम्मीदवार नामांकन कर चुके हैं। 11 सीटों पर 10 जून को चुनाव होगा अगर 11 से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं। 8 सीटों पर भाजपा और 3 सीटों पर सपा की जीत तय है। अगर जैसा चल रहा है वैसे ही चलता है, कुछ सरप्राइज एलिमेंट नहीं होता है शाम तक, दोपहर 3 बजे तक, बल्कि चूंकि आज आखिरी दिन है तो निर्विरोध ये लोग चुनाव जीत जाएंगे।